अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमने कई जगहों पर देखा है सियासी पार्टियां इफ्तार की पार्टी को लेकर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, इसी तरह समाजी और तंजीमें भी जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शहर मैसूर में वाक़ JDS के बहुत सारे मेंबरान हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस दरमियान अब्दुलाज़ीज़ उर्फ अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं आप शहर मैसूर की आवाम को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ये रमज़ान का महीने में जो इफ्तारी हर साल भी जो हम लोग बनाते थे, तो इस साल क्या हुआ बोले तो हमारा कुमाराना, हमारा लीडर कुमाराना और CM इब्राहिम साहब, जितने भी MLA सब मिलकर जो हमारे से डिस्कस है, जो पार्टी वाले इनसे डिस्कस कर को कि हमें भी एक इफ्तारी बनाना है मैसूर के अंदर, क्यों आवाम को हमें भी एक आवाम के साथ बैठना है खुम के अंदर, एक पूरे हर हिंदू मुसलमान और हर क्रिश्चियन हर पार्टी भी हर आदमी हम भी मिलकर बैठ को एक इफ्तार कूटा मीन ओ कूटा बोले पूरे सवार तक कूटा बोले। तो इसमें ये पॉलिटिकल का वास्ते नहीं है, ये रमज़ान का महीने में एक न्यू मैसेज, जो कर्नाटक के अंदर हर आदमी जो माहौल ऐसा ख़राब है, ये माहौल का तरीके में इसमें कुमाराना जो बोल रहे हैं, तो हम ये कहें हर कौम के आदमी भी है कहकर को दिखाने के वास्ते ये इफ्तारी कोटा बना रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स क्लियरिटीज कौन सा भी नहीं है। तो हर ये मैसूर से भी जो स्टार्ट होके हैं इंशाल्लाह हर स्टेज में भी हमारे पार्टी के अंदर हर कौम के आदमी भी रहते हैं, तो ये कौम का मैसेज दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक है, सब कुछ एक है। ये इसमें जो पॉलिटिकल करके पॉलिटिकल का जो फ़ायदा लेने का नहीं है, उसका से इफ्तारी कूट। ओके सर, कौन कौन मेहमान है, खसूस यानी स्पेशल गेस्ट कौन आ रहे हैं सर, और क्या टाइम को होएगा और किस जगह पर होगा? जो इफ्तारी का टाइम क्या है, वही टाइम पे आएंगे, कुमाराना आएंगे, CM इब्राहिम आएंगे, सारा महेस आएंगे, और हमारा MLS महादेव आएंगे, अश्विन आएंगे, MLC मंजयगौड़ा है, वो श्रीकंठ है, सब कुछ सब आ रहे हैं। तो हमारा गुरु जी सब 10-15 जी गुरु जी आ रहे हैं, जो फादर्स लोग आ रहे हैं, हर कौम के आदमी भी आ रहे हैं, उलमायाम भी आ रहे हैं, हमारा उलमा इनके पास हमें कभी बेनिफिट लेने के वास्ते नहीं, तो पार्टी के अंदर मैसेज देने के लिए हर कौम भी एक है। जो माहौल के अंदर ऐसा चल रहा हर जगह भी, जो लड़के मर रहे हैं हिजाब के बारे में, होंगे हलाल कट के बारे में, हलाल कट अब सब हलाल कट के वास्ते पूरे कौम मिल कौम है, ये हलाल कट नहीं है, ये झटका कट नहीं है, कौम का कट है, हर कौम के कट है को ना करके कौम मैसेज दे रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जब कुमार स्वामी साहब अब्दुल्ला भाई को फ़ोन कर को ऐसा एक मैसूर के अंदर भी तुम्हें करोगों को बोले, तो माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई की सदारत में मिलन फंक्शन हाल ऐमान और मिलन में दोनों से यहाँ पर बड़े तादाद में इंशाल्लाह हर जात के, जैसा कि अब्दुल्ला भाई बोले, हर जात के आदमियों को बुला को एक मैसेज देना चाह रही हूँ पूरे स्टेट को। अब बोले हलाल कट अभियान, तो हलाल कट्टी 600, तो और लोग जो हर जात के लोग जो आ रही उन्हों भी हलाल कट्टी छांग खा 300, तो एक मैसेज क्या देना चाह रही गए, तो पूरे कर्नाटक के अंदर कुमार स्वामी और CM इब्राहिम साहब पूरे जात को साथ में ले को चलने का एक मैसेज मैसूर के अंदर से अब्दुल्ला भाई के सदारत में यहाँ इंशाअल्लाह कल होगा जी सर। जो इतवार का दिन 24 तारीख को जो इफ्तार की टाइमिंग इफ्तार रख ले को ही, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अंदर अब्दुल्लाज़ीज़ अब्दुल्ला भाई की सदारत में मैं ये इफ्तार पार्टी रख ले कहीं, इसके अंदर श्रीमान HD कुमारना साहब आ रही और CM इब्राहिम साहब आ रही और जितने भी पार्टी के MLA से MP से उन्होंने सब इसके अंदर शिरकत फरमा रही। लेकिन मैसेज इतना चाहिए कि क्या भी हमें इफ्तार पार्टी कर को क्या भी इसके अंदर सियासी पार्टी के सर का कल एक मैसेज सुना मैं कि इफ्तार के अंदर सियासत घुसारी कर को बोल को इसके अंदर सियासी क्या भी नहीं है, एक मोहब्बतन जो अब तक अब्दुल्लाज़ीज़ अब्दुल्ला भाई कर ले कहते थे, इस बार हमें पार्टी के ज़रिए से कुमारना के ज़रिए से सामने उनको रख को हमें एक मैसेज देना चाह रही कि कुमारना हमारे साथ ही, आप तमाम भी हमारे साथ जुड़ो और जुड़ को इसके अंदर हिस्सा लो, इंशाल्लाह सामने को जो भी काम है बढ़ चढ़ को हिस्सा ले लग कर ले जाइए। सबसे पहले मैं पूरे मुस्लिमीन को रमज़ान मुबारक बात देता हूँ।
और ये अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला पहली बार नहीं करा रही है इफ्तार पार्टी, हर साल कराती हूँ ना, दो साल लॉकडाउन की वजह से नहीं कराए, इस बार भी करा रही। इस बार कुमार स्वामी और सीएम इब्राहिम को हमारी पार्टी की वजह से सबको इन्वाइट करके बुला रही, ये क्या भी नई बात नहीं है। और थोड़े लोग कुमार राणा सर्कुलर नहीं करके एक मैसेज भी दिए थे, उससे कुमार राणा भी आ रही और सीएम इब्राहिम साहब भी आ रही और अदर दूसरी कौम भी, सो कौन हिंदुज़म भी है, क्रिश्चियंस भी है, इन सब दो तीनों भी आ रही आपको एक इफ्तार पार्टी में, सब एंजॉय वो ये करती। उलमाए कराम भी आ रही, उमलाए I'm not going to do that.